बलरामपुर ललिया के घुमन हवा सड़क हवा गांव निवासी कलीम और मुहर्रम अली की हत्या योजनाबद्ध तरीके से 17 अक्टूबर को दोनों को पुरानी रंजिश में स्कॉर्पियो से कुचलकर घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया था। देहात कोतवाली पुलिस सर्विलांस व एसओजी की संयुक्त टीम ने घटना का राज फाश कर दिया है। हत्याकांड में शामिल उसी गाँव के वकील कैफ इबरार जैनुल आबदीन समेत खुर्शीद निवासी लौकी तुलसीपुर रमेश निवासी धौरी कला हरैया सतघरवा हालपता बलदेव नगर ललिया व महाराजगंज हाँ ऐसे तराई निकल के गया। लैबुड्डी हाँ गांव मतलब निवासी विनय को गिरफ्तार कर लिया है। जो पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो स्कॉर्पियो एक पल्सर बाइक बरामद कर ली है। अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 17 अक्टूबर को कलीम व मुहर्रम अली बाइक पर सवार होकर बलरामपुर से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कोडरी घाट के पास चौपहिया वाहन ने दोनों को रौंद दिया। दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई थी। मृतक कलीम के पिता खुदायार खान ने 22 अक्टूबर को थाने पर तहरीर देकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कोडरी घाट के पास में दिनांक 17 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें दो लोगों की गाड़ी से कुचल के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जो मृतक पक्ष थे ये ललिया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, और इसमें इनकी तहरीर पर थाना कोतवाली देहात में 302-120 भी IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पूरे प्रकरण की जाँच करने के साथ साथ इसमें जो भी नामजद अभियुक्त थे उसमें से एक को छोड़ के बाकी सारे लोग अरेस्ट हो गए हैं, और 3 लोग अभी हमारे वांछित चल रहे हैं जिनके द्वारा गाड़ी का प्रयोग किया गया था। जो घटना में शामिल वाहन हैं वो बरामद हो गए थे, जिसमें काली स्कॉर्पियो जिससे घटना कारित की गई थी वो भी बरामद है। साथ ही रेकी के लिए जो इस्तेमाल की गई गाड़ी है व्हाइट स्कॉर्पियो और पल्सर, उसको भी बरामद कर लिया गया है, और शेष अभियुक्तगण की तलाश की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।